श्रीनगर के ओल्ड जीरो ब्रिज में कश्मीर के आर्टिस्टों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। फनकारों ने अपने मसाइल और परेशानियों के बारे में जानकारी दी। उनका कहना है कि सीनियर आर्टिस्टों को नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारे ग्रेड्स हमने अचीव किए हैं, सारी उम्र चली गई और जब वो हमारे ग्रेड कवर हो गए, जब हमें आप एक्सपेक्टेशंस थी कि अब हमें बिना पूछे बिना कहे अपना शेयर अपना काम मिल जाएगा, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि हम लोगों को महरूम किया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो हमारे जो सर्विसेज हैं उसके नाते उनके बल पे हमारा हक बनता है कि हम अपने हक के लिए आवाज उठाएं। और जो सारे के सारे जो मेरे भाई यहाँ पे बैठे किसी तारों के मुताज नहीं है, आज 30 सालों से 35 सालों से आप सुनते आ रहे हैं, पूरी कश्मीर के लोग जानते हैं कि हम लोग हमारी सर्विस क्या है। नामुनासिब हालात में जो सिंध हमने जो सकाफत हमने जिंदा रखी हुई है उसके बानी है हम लोग, और आज हम ही उनको महरूम किया जा रहा है। ये एक बहुत ही मजबूरी की हालत है, हम लोग आपके सामने आ रहे हैं। कल्चरल इनिशिएशंस हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कैसर भाई ने कहा कि जो हमसे कम ग्रेड के आर्टिस्ट बाहर से जो आते हैं, कल्चरल एक्सचेंज बहुत जरूरी है। हमें भी बाहर की रियासतों में मदू किया जाता है, बाहर के ममालिक में मदू किया जाता है और वहां के भी फनकार यहां आते हैं और हम उसके साथ हैं। लेकिन वही जो बात आती है ट्रीटमेंट की, जो हमारा एक डिग्निटी और ऑनर जो होता है आर्टिस्ट का। दूसरी बात यह है कि हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हमें यंग टैलेंट को प्रमोट करना है, इसके हम साथ हैं। लेकिन यंग टैलेंट के साथ साथ हमें ये भी देखना है, हमारी गवर्नमेंट को ये भी देखना है, जो लोग 30 साल से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अभी भी फील्ड में है, अभी भी इस हालत में है कि वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकें। जितने भी इवेंट्स होते हैं, मेजर इवेंट्स, यहाँ के लेजेंडरी आर्टिस्ट को इग्नोर किया जाता है, चाहे वो सूफियाना हो, चाहे वो हमारा फोक म्यूजिक हो, चाहे हमारा इंडियन क्लासिकल या कश्मीरी लाइट म्यूजिक हो। यहाँ के लेजेंडरी आर्टिस्ट को साथ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे भी बच्चे, हमारे भी घर बार है, क्योंकि हमें कोई नौकरी नहीं है, हम कोई और बिजनेस नहीं करते, हमने फुल टाइम अपना जो पूरी जिंदगी आर्ट को दी है। इस गवर्नमेंट का ये फर्ज है कि जो यहाँ के लोग जो 50 साल अभी एज आर्टिस्ट हैं, उनका उनको सोचा है